ग्रेटर नोएडा में पीआरडी भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत, युवाओं से पैसे लेकर भी भर्ती न करने का लगा आरोप, डीएम से हुई शिकायत। गौतम बुद्ध नगर में पीआरडी के जवानों की भर्ती के मामले में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। इस मामले में जिलाधिकारी से कुछ युवकों के द्वारा शिकायत की गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दी है। मुख्य विकास अधिकारी ने भर्ती में शामिल अफसरों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रांतीय रक्षा दल यानी कि पीआरडी गौतम बुद्ध नगर में भर्ती कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। यह आरोप तीन युवकों के द्वारा लगाया गया है और जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। इन लोगों ने शिकायत में बताया कि इनसे 30,000 रुपए की रिश्वत ली गई और कहा गया कि तुम्हारा पीआरडी में चयन कर दिया जाएगा, लेकिन दो वर्ष गुजरने के बाद भी कोई पीआरडी में चयन नहीं हुआ। इस वर्ष भी चयन न होने के बाद इन युवकों ने जिला अधिकारी से इसकी शिकायत कर दी। युवकों ने जिला युवा कल्याण अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दी है। मुख्य विकास अधिकारी ने तीन अधिकारियों की एक टीम बनाई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और साथ ही इस भर्ती में शामिल रहे अफसरों को भी नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा गया है। मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्रा ने बताया कि जिला अधिकारी से प्रांतीय रक्षक दल की भर्ती में अनियमितता बरतने और भर्ती करने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत की गई है, जिसकी जांच मुझे सौंपी गई है। इस मामले में तीन अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। अधिकारियों से जल्द ही इसकी जांच कर आख्या मांगी गई है। भर्ती में शामिल रहे अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है और उनसे भी जवाब मांगा जा रहा है। यह शिकायत तीन युवकों के द्वारा की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे पैसे लेने के बाद भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया। सर, एक पीआरडी जवानों का एक मामला है, उसको लेके एक शिकायतकर्ता ने डीएम साहब को जो है शिकायत दी थी, क्या है पूरा प्रकरण बताएंगे आप? जी, उसमें डीएम साहब के यहाँ कुछ दो चार लड़के गए थे और उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था कि भर्ती में कुछ गड़बड़ियाँ की गई हैं, तो जांच हमको डीएम साहब ने सपोर्ट किया है और उसमें हम तीन जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित कर दिए हैं और युवा कल्याण विभाग से सभी भर्ती के अभिलेख मंगाए गए हैं। तो जो ही अभिलेख हमको मिल जाते हैं तो उसमें जाँच करके गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा। सर, वही शिकायतकर्ताओं का कुछ लेनदेन का भी आरोप था? हाँ, लेनदेन का भी आरोप था और वो सारे शिकायती पत्र में लिखा है। वो शिकायतकर्ता हमसे आके विकास भवन में मिले भी थे, तो मैंने उनको बताया है कि ये प्रकरण काफ़ी दो तीन साल पहले से उन लोगों के बीच में चल रहा था, तो जब अभिलेख आ जाएंगे युवा कल्याण विभाग से तो उसको हम लोग देख के फिर आके भेज देंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।